हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ झटपट सांभर की रेसिपी। इसके लिए मैंने 1 कप अरहर की दाल ली है, तूर दाल, आधा कप मैंने छिलके वाली मूंग दाल ली है और आधा कप मैंने साबुत मूंग दाल ली है और आधे से कम मतलब पाव कप मैंने चना की दाल ली है। ये सब मैंने अच्छे से वॉश करके कुकर में ले लिया है। 2 आलू कट करके डाले हैं, 2 टमाटर कट करके डाले हैं, अदरक डाला है कद्दूकस करके, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ डाली हैं, हल्दी डाली है, नमक डाला है और ये सब डाल के मैंने 2 सीटी आने तक पका लिया था। ये अच्छे से पक गया है, यहाँ पे देख सकते हो। अभी बारी है तड़के की। तेल गरम किया है, तेल में मैंने सरसों डाली है, राई, फिर जीरा डाला है, 2 साबुत मिर्च डाली है, प्याज डाला है बहुत सारा कट करके और इसको अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद मैंने जीरा, लहसुन, 1 टीस्पून लिए थे कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लिया था मैंने तीखी वाली लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, इनको मैंने खलबत्ते में पीस लिया था और वो पेस्ट बना के मैंने इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया है। फिर मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे सांभर मसाला। 2 टेबल स्पून मैंने सांभर मसाला यूज़ किया है और वो मैं दाल डाल के फिर दाल के ऊपर सांभर मसाला डाल के मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे हमारा यम्मी सा सांबर बन के रेडी है। आप चाहे तो इसमें वेजेस भी ऐड कर सकते हो, लौकी, ड्रमस्टिक, बट मुझे क्विक बनाना था इसलिए मैंने इसी सिंपल प्रोसेस से बना लिया। और ये मैंने बासमती राइस भी बना के रख दिए थे और यम्मी यम्मी सांबर इसके ऊपर डाल के, ऊपर से देसी घी डाल के बहुत ही टेस्टी लग रहा था। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो